आज के युग में भी लोगों द्वारा दान धर्म का कार्य किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा डीएवी पब्लिक स्कूल दरकोटी में देखने को मिला, जहां पर कर्नल चेत राम चौहान ने अपने स्वर्गीय बेटे पुनीत चौहान की याद में स्कूल के लिए साइंस लैब का निर्माण करवाया। इस अवसर पर डीएवी पब्लिक स्कूल दरकोटी में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल का पूरा स्टाफ और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। कर्नल चेत राम चौहान ने बताया कि आज उन्होंने अपने बेटे की याद में दरकोटी स्कूल को साइंस लैब बनाई है। उन्होंने बताया कि उनके बेटे की 18 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने कहा कि डीएवी पब्लिक स्कूल एक ऐसी संस्था है जहां से सभी बच्चे उन्नति करते हैं, इसी के चलते साइंस लैब स्कूल को समर्पित की गई है। बेटा जब 18 साल की आयु में था तो उसने एनडी की क्वालिफाई किया, उसके बाद एनडी की ट्रेनिंग करने के बाद आईएमएस पास आउट हुए ग्रेजुएट, उसके बाद वो इंजीनियर रेजिमेंट में एज एन ऑफिसर उनका कमीशन हुआ। वहाँ से उन्होंने फिर इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के साथ साथ फिर उनकी सिलेक्शन हुई आईआईटी के लिए। आर्मी से एक या दो अफसर साल में जो है वो सिलेक्ट होते हैं। आईआईटी दिल्ली से उन्होंने एमटेक की और उसके बाद वो जेएनके में अपनी सेवा दे रहे थे, कोर्स पे जा रहे थे और यहाँ कुछ दिनों के लिए घर आए थे। उसमें उनको हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि आर्मी में ऐसा कि स्ट्रेस बहुत रहता है, कई तरह की जो है मुश्किलें, कई तरह की स्ट्रेस जो है सहन करने पड़ते हैं, लेकिन वो सब करते हुए ये दुर्भाग्यवश जो है वो 10 दिसंबर को 1915 में वो उनका एकदम देहांत हो गया। तो हमने विचार किया कि लोग बहुत से अच्छे कार्य करते हैं, उनकी यादगार में कुछ एक ऐसा काम किया जाए जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शन हो और याद रहे। उससे विचार विमर्श करके हमने परिवार में अपने धर्म पत्नी के साथ ही विचार विमर्श किया और ये निर्णय लिया कि डीएवी पब्लिक स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ से कि हम पैदा हुए हैं, पढ़े हैं, इसमें बहुत सारे जो है ऑफिसर इस इंस्टीट्यूट से निकले हैं। मान लिए धूमल जी भी, जो कि हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो भी इसी स्कूल की प्रोडक्ट है। तो इस यादगार में ये लैब इसका जो है निर्माण किया गया ताकि बच्चे इसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़े, पढ़े और जीवन में अपनी ऊंचाइयों को छुए। जितने भी यहाँ के जो निवासी हैं और लोकल्स हैं, ये भी इसमें सहयोग करें ताकि इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसमें संस्कार दिए जाते हैं बच्चों को। एक ऐसी संस्था है, इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि खाली भौतिक एजुकेशन ही नहीं बल्कि संस्कारिक बच्चों को किया जाता है ताकि वो सोसाइटी में एक अच्छे नागरिक बन सके और अपना भविष्य उनका उज्जवल हो। वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल दरकोटी के प्रधानाचार्य आनंदलाल भारद्वाज ने कर्नल चेतराम चौहान का धन्यवाद किया और कहा कि जो साइंस लैब के लिए सहायता की गई है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। उन्होंने बताया कि साइंस लैब से बच्चों को पढ़ने में सहायता मिलेगी और बच्चे आगे बढ़ेंगे। कर्नल साहब के बहुत ही हार्दिक रूप से धन्यवाद दिए हैं कि इन्होंने इस इंस्टीट्यूशन के लिए, जो कि 1905 से यहाँ पर सेवा कर रही है पब्लिक की, लोगों की, इलाके की, और कई महान विभूतियाँ इस इंस्टीट्यूशन से निकली हैं और इसको आगे बढ़ाने के लिए इनका जो सहयोग है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि एक प्रयोगशाला भवन जो है वो हमें चाहिए, क्योंकि हमने स्कूल का कक्षाएं जो स्टार्ट करनी है तो प्रयोगशाला उनके जरूरी है।